Hello friends, how are you? I hope you are healthy and living. So welcome back to your own channel. Myself Abhishek Kumar, I am your Balwadi mentor. So today I will discuss very important and interesting chapter of the 11th NCERT, that is the structure organization of animal. So in this particular video, we discuss which type of animal tissue participate in the forming of animal structure, what is their location and what is their function. So each and everything we discuss in conceptual manners and interesting manner. So I hope you really enjoy this video. So if you like my video, so please subscribe my channel and like share my video with friends. And if you want to join my social media handle, so I provide a link in the description box and WhatsApp from my channel. So please go through WhatsApp from my channel and click the social media icon and join with us. So I hope you really appreciate it with me. So watch the video and keep support. Hello friends, so start today's topic. So today's topic is the nervous system of cockroach. So in this particular video, we discuss about nervous system of cockroach. In nervous system of cockroach, we discuss each and everything with conceptual and easy manner. So I hope you really enjoy this video. So first we read what written in NCERT textbook. After that, I'll broad each and everything with simple and easy manner. So I hope you really enjoy this video. So let's start without wasting any time. So nervous system of cockroach. ठीक है, नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच किस टाइप का नर्वस सिस्टम होता है, कितने गैंगलिया पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पे नर्वस सिस्टम होता है, किस साइड पे होता है, सारी चीज़ें हम इन डिटेल्स और इंटरेस्टिंग मैनर में आपको इस वीडियो में बताएंगे. है ना, जो नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच होता है, ये बोला जाता है कि अगर कॉकरोच का हेड काट दें तो वो 1 वीक तक वो जीवित रहता है. वो क्यों जीवित रहता है, उसके पीछे का रीजन बताएंगे हम आपको. है ना, और जो हमारा काकरोच में होता है, कितने गैंगलिया पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ पे गैंगलियास होते हैं, वो सारी चीज़ें हम बताएंगे. तो NCERT के टेस्ट में क्या लिखा है पढ़ते हैं पहले, उसके बाद हम अपने एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से. ठीक है, द नर्वस सिस्टम ऑफ काकरोच कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ द फ्यूज्ड सेगमेंटली अरेंज गैंगलिया ज्वाइंड बाई पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव ऑन द वेंट्रल साइड. तो इसका मतलब क्या हुआ, जो नर्वस सिस्टम ऑफ काकरोच होता है उसमें सीरीज ऑफ गैंगलियास होते हैं जो कि सिगमेंटली अरेंज होते हैं. जो गैंगलिया होंगे, सीरीज ऑफ गैंगलिया, जैसे हमने अर्थवर्म में देखा था, जो नर्वस सिस्टम था अर्थवर्म का, वो गैंगलेटेड नर्वस सिस्टम था, उसमें गैंगलिया पाए जा रहे थे. इसमें भी वो सेगमेंटली अरेंज होते हैं गैंगलिया, और जो जुड़े हुए होते हैं पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव ऑन वेंट्रल साइड. है ना, लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव के द्वारा वो जुड़े होते हैं वेंट्रल साइड में वो जुड़े हुए होते हैं. तो इसका मतलब क्या हुआ हिंदी में, जो नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच होता है वो कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ सेगमेंटली अरेंज गैंगलिया, वो सेगमेंटली अरेंज गैंगलिया से बना होता है. है ना, उसमें या सेगमेंटली अरेंज गैंगलिया पाए जाते हैं जो कि जुड़े हुए होते हैं. जो सेगमेंटली अरेंज गैंगलिया होंगे वो जुड़े हुए होंगे पेयर्ड लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव के द्वारा. है ना, जो एक लॉन्गिट्यूडनल कनेक्टिव होगा वो वेंट्रल साइड से पाया जाएगा, वेंट्रल साइड में वो जुड़े होंगे. समझ गए होंगे आप, अच्छे तरीके से बताया मैंने. कहाँ कहाँ पे गैंगलिया पाए जाते हैं, 3 गैंगलिया लाइक इन थोरैक्स, जो कॉकरोच में होते हैं कि गैंगलिया होते हैं सिर्फ 3 गैंगलिया लाइक इन थोरैक्स. जो कॉकरोच की बॉडी थी 3 भागों में डिवाइड की गई थी, हेड थोरैक्स ऑन एब्डोमेन. है ना, हेड में हेड वाला रीजन था, थोरैक्स मतलब चेस्ट वाला रीजन था, एब्डोमेन मतलब पेट वाला रीजन था. तो इसीलिए वो 3 भागों में डिवाइड किया गया था. तो 3 गैंगलिया जो पाए जाएंगे कॉकरोच में वो कहाँ पे पाए जाएंगे, थोरैक्स रीजन पे पाए जाएंगे, और जो 6 गैंगलिया पाए जाएंगे वो एब्डोमेन रीजन पे पाए जाएंगे, यानी पेट वाले हिस्से पे पाए जाएंगे. तो यानी टोटल गैंगलिया कितने होते हैं कॉकरोच में, 9. ठीक है, यानी टोटल गैंगलिया जो होंगे 9 गैंगलिया होंगे कॉकरोच में. क्वेश्चन आ जाता है 9 गैंगलिया. ठीक है, ये क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि हाउ मेनी गैंगलिया फाउंड इन कॉकरोच नर्वस सिस्टम. तो हम आंसर करेंगे 9 गैंगलिया फाउंड इन कॉकरोच नर्वस सिस्टम इन विच 3 गैंगलिया लाइज या प्रेजेंट इन थोरैक्स रीजन एंड 6 गैंगलिया प्रेजेंट इन एब्डोमेन रीजन. है ना, इन कॉकरोच नर्वस सिस्टम. तो आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. ठीक है, आगे देखते हैं. द नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच स्प्रेड थ्रू आउट द बॉडी. है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच होता है, जो कॉकरोच का नर्वस सिस्टम होता है वो पूरी बॉडी पे फैला हुआ होता है. जैसे हम अपने घरों पे वायरिंग करवाते हैं, छत पे वायरिंग होती है, तो छत में चारों तरफ पाइप डाले जाते हैं. चारों तरफ पाइप इसलिए डाले जाते हैं कि हर जगह पे जो कनेक्शन होगा, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन होगा, उसके जो वायर होंगे पूरी छत पे या पूरे घर पे फैल सकें. उसी तरह का इसमें कॉकरोच का नर्वस सिस्टम होता है कि इसका जो जाल होता है ना, नर्वस सिस्टम का जाल होता है, यानी एक तरह के वायर होते हैं इसकी पूरी बॉडी में फैले हुए होते हैं. ठीक है, इसी वजह से बोला गया है इसके जो कॉकरोच सिस्टम है, इसके स्प्रिट थ्रू आउट बॉडी, यानी इसकी पूरी बॉडी में नर्वस सिस्टम फैला हुआ होता है. देखते हैं, द कॉकरोच नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच स्प्रिट थ्रू आउट द बॉडी, यानी कॉकरोच का नर्वस सिस्टम होता है वो इसकी पूरी बॉडी में, कॉकरोच नर्वस सिस्टम स्प्रिट थ्रू आउट द बॉडी, यानी इसकी पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है. ठीक है,
हेड होल्ड ए बिट ऑफ नर्वस सिस्टम व्हाइल रेस्ट ऑफ इट सिचुएटेड द अलोंग द वेंट्रल बेली, यानी वेंट्रल साइड को बेली साइड पार्ट इट बॉडी, है ना। यानी इसका मतलब ये है कि सिर्फ हेड रीजन में जो नर्वस सिस्टम का एक स्मॉल बिट मतलब छोटा सा भाग पाया जाएगा, है ना। बिट का मतलब हुआ यहाँ पे, इसका मतलब हुआ छोटा सा भाग, है ना, छोटा सा भाग या टुकड़ा, ठीक है, छोटा सा भाग या टुकड़ा पाया जाएगा जो कि हेड रीजन में होगा। बाकी का बाकी जो इसका नर्वस सिस्टम होगा इसकी पूरी बॉडी में, है ना, जो कि वेंट्रल साइड यानी निचले साइड को बोलते हैं। जैसे कॉकरोच ऐसे चलता है, ऐसे कॉकरोच चलेगा तो इसके जो नीचे हथेली वाला साइड हुआ ये हमारा वेंट्रल साइड हुआ। इसी वजह से जब इन्वर्टिब्रेट का डाइसेक्शन किया जाता है ना, डाइसेक्शन किया जाता है तो उसके डॉर्सल साइड से किया जाता है, क्योंकि वेंट्रल साइड में उसका नर्वस सिस्टम होता है। अगर वेंट्रल साइड से उसको डाइसेक्शन करेंगे तो उसके नर्वस सिस्टम वो कट जाएगा या उसमें हार्म आ जाएगी, तो यानी वो अगर उसको फिर से रिकवर करना हुआ तो वो रिकवर नहीं हो पाएगा, उसकी पूरी की पूरी बॉडी ख़राब हो जाएगी, है ना। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यानी जो उसका हेड रीजन में थोड़ा सा वाइट पाया जाएगा, थोड़ा सा टुकड़ा पाया जाएगा, बाकी का बाकी नर्वस सिस्टम जो होगा उसकी पूरी बॉडी में फैला हुआ होगा वेंट्रल साइड में, यानी जिसको वेली साइड बोलते हैं इट्स बॉडी, उसकी वेली साइड यानी वेंट्रल साइड में फैला हुआ होगा। तो आगे देखते हैं। सो नाउ वी अंडरस्टैंड डैट इफ द हेड ऑफ द कॉकरोच इज कट ऑफ इट विल बी स्टिल लाइफ फॉर ए लॉन्ग एज वन वीक, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब हम समझ गए कि अगर हम काकरोच का हेड काट देंगे तो वो क्यों जीवित रहता है, क्योंकि उसका सिर्फ छोटा सा हिस्सा जो होता है नर्वस सिस्टम का वो हेड रीजन पे होता है, बाकी का बाकी सारा जो नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है वो उसकी बेली वेंट्रल साइड में प्रेजेंट होता है। इस वजह से अगर उसका हेड भी काट देंगे तो उसकी बॉडी सर्वाइव कर लेगी, है ना, क्योंकि इसके नर्वस सिस्टम जो होगा पूरी बॉडी पे है, क्योंकि नर्वस सिस्टम इज द सुपीरियर ऑफ द बॉडी, यानी नर्वस सिस्टम जो होता है बॉडी का मास्टर होता है, ठीक है, वो सारे बॉडी के फंक्शन को कंट्रोल करता है। आप समझ गए होंगे। सो नाउ अंडरस्टैंड डेट द कॉकरोच कट ऑफ द हेड सो लॉन्ग वन वीक तक वो जीवित रह सकता है, है ना, वन वीक तक वो जीवित रह सकता है अगर उसका हेड काट दें तो। इन द हेड रीजन जो हेड रीजन पे क्या होता है, इन द हेड रीजन द ब्रेन इज रिप्रेजेंटेड बाई सुप्रा एसोफेजेलियल गैंग्लिया। जो हेड रीजन पे क्या होते हैं, हेड रीजन पे सुप्रा एसोफेजियल गैंग्लिया पाए जाते हैं, जिनका काम क्या होता है, विच सप्लाई नर्व टू एंटनी, जो कि नर्व की सप्लाई करते हैं, किसमें नर्व की सप्लाई करते हैं, विच सप्लाई टू नर्व एंटनी, एंटनी मैंने बताया था ये क्या करेंगे, सेंसरी ऑर्गन होंगे, ठीक है, ये क्या होंगे, सेंसरी ऑर्गन होंगे और एनवायरनमेंट को मॉनिटर करेंगे, यानी एनवायरनमेंट को सेंस करेंगे। और कंपाउंडाइज क्या होती हैं, कंपाउंडाइज थी वो जो मोजेक विजन में हेल्प कर रही थी, है ना, यानी मोजेक विजन का फॉर्मेशन कर रही थी। एंटनी कोई भी एंटीना हो, यानी वो टीवी का एंटीना हो, मैंने आपको बताया था, या फिर काकरोच का एंटीना हो, वो सेंसरी फंक्शन करेगा, यानी सिग्नलिंग का काम करेगा, यानी एनवायरनमेंट को सेंस करेगा, एनवायरनमेंट से सिग्नल लाएगा और उसकी बॉडी में ट्रांसमिट करेगा। समझ गए होंगे आप, ठीक है। और जो कंपाउंडाइज होती हैं वो मोजेक विजन में हेल्प करती हैं, यानी जो सुप्रा एसोफेजियल गैंग्लिया होते हैं जो कि नर्व सप्लाई करते हैं एंटनी को, कंपाउंड आइस को, सीधा सा मतलब ये इसका। इन कॉकरोच द सेंस ऑर्गन आर एंटनी, आइस, मैगजलरी पल्प, लेबियल पल्प, एनल सर्काई, है ना। यानी कॉकरोच में क्या होते हैं, जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं, यानी जो एनवायरनमेंट को सेंस करेंगे या चीज़ों को सेंस करेंगे, तो वो क्या क्या होते हैं, एंटनी होती है, है ना, आइस होती है यानी कंपाउंड आइस हो गई, ठीक है, मैगजलरी पल्प हो गया, लेबियल पल्प हो गया, और एनल सरकाई हो गया। एनल सरकाई जो मेल और फीमेल बहुत सक्सेस में पाए जा रहे थे, बट जो एनल स्टाइल था वो सिर्फ मेल काकरोच में पाया जा रहा था, क्योंकि स्टाइल जो होता है वो ज़्यादातर लड़के मारते हैं, यानी बियर्ड का स्टाइल और हेयर का स्टाइल लड़के मारते हैं, ठीक है, इस वजह से एनल स्टाइल जो होगा वो मेल काकरोच में पाया जाएगा। बाकी के सेंस ऑर्गन जो होंगे ये दोनों सक्सेस में पाए जाएंगे, यानी एंटनी मेल और फीमेल दोनों में होता है, आइस भी मेल और फीमेल दोनों में होता है, मैगजलरी पल्प भी होता है, लेबियल पल्प भी होता है, एनल सरकाई भी होता है, यानी सेंस ऑर्गन ये होंगे काकरोच में। कौन कौन से हो जाएंगे, एंटनी हो जाएगा, आइस होगा, मैगजलरी पल्प होगा, लेबियल पल्प होगा और एनल सरकाई होंगे। ये याद रखेंगे, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। एंटनी का काम क्या होता है, आइस का काम क्या होता है, मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। आगे देखते हैं। द कंपाउंड आइस आर सिचुएटेड एट द डॉर्सल सरफेस ऑफ द हेड, यानी जो काकरोच की
कंपाउंड आइस होती हैं जो कि मोजेक विजन में हेल्प करती हैं। किस में हेल्प करती हैं? कंपाउंड आइस क्या करेंगी? मोजेक विजन बनाएंगी, है ना। मोजेक विजन, मोजेक विजन क्या होता है मैंने आपको बताया था, ठीक है, और भी बताएंगे आगे चल के। द कंपाउंड आइस आर सिचुएटेड एट डॉर्सल सरफेस ऑफ द हेड, यानी जो कंपाउंड आइस होती हैं काकरोच में वो डॉर्सल सरफेस ऑफ हेड में सिचुएटेड होती हैं। यानी हेड जब काकरोच ऐसे चलेगा तो यानी इसका जो डॉर्सल सरफेस होगा यानी ऊपरी वाला हिस्सा होगा, तो यानी इसके डॉर्सल यानी ऊपरी हिस्से पे ऐसे, इसे मान लो ये काकरोच का हेड हो गया, सपोर्ट डेट ये काकरोच का हेड हो गया, ठीक है, यानी सब इसके आर्गन हो गए, तो इसकी आई जो होंगी ये डॉर्सल सरफेस पे ऐसे सिचुएटेड होंगी, ठीक है, ये होंगी यहाँ पे आईस होंगी उसकी, ठीक है। जो ईच आई कंसिस्ट ऑफ अबाउट 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया, है ना। ओमेटिडिया क्या होता है, है ना, ओमेटिडिया क्या होता है मैं आपको बताऊंगा आगे। जो प्रत्येक आई होती है यानी प्रत्येक आंख होती है वो 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया को पाए जाते हैं, यानी कंसिस्ट करते हैं, यानी प्रत्येक आंख में 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया पाए जाते हैं। ओमेटिडिया ये हम याद रखेंगे, यहाँ से ये भी क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे हमसे कि काकरोच की प्रत्येक आई में कितने हेक्सागोनल ओमेटिडिया पाए जाते हैं। 2000 पाए जाते हैं, 200 पाए जाते हैं, 20 पाए जाते हैं, कुछ भी कन्फ्यूजन कर सकता है, बट यहाँ पे कितने हैं? 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया हैं, यानी 2000, ठीक है, नॉट 200, ओनली 2000 ओमेटिडिया फाउंड इन ईच आईस ऑफ काकरोच, ठीक है, समझ गए होंगे। ओमेटिडिया का जो होता है, ओमेटिडिया का जो सिंगुलर होता है, मैंने आपको बताया था कि किसी चीज़ का अगर सिंगुलर करना है तो आई ए हटा के आई यू एम लगा देंगे तो उसका सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। वेज एमोटिडिया किस में हेल्प करते हैं? ओमेटिडिया विद द हेल्प ऑफ सेवरल ओमेटिडिया, मतलब बहुत सारे एमोटिडिया मिलके क्या करते हैं, काकरोच में बहुत सारे ओमेटिडिया मिलके एक काकरोच कैन रिसीव सेवरल इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, है ना। जो ओमेटिडिया होते हैं वो बहुत सारे ओमेटिडिया मिलके एक ऑब्जेक्ट की बहुत सारी इमेज रिसीव करवाते हैं, है ना, एक सारी एक ऑब्जेक्ट की बहुत सारी इमेज उसके कॉकरोच की आइज में रिसीव करवाएंगे। तो इस तरीके के विजन को क्या बोलते हैं? दिस काइंड ऑफ विजन नोन एज मोजैक विजन, है ना। इस टाइप के विजन को क्या बोलते हैं? मोजैक विजन, यानी जब एक ऑब्जेक्ट की बहुत सारी इमेज आए, है ना, ऑब्जेक्ट वन यानी वन ऑब्जेक्ट हो, वन ऑब्जेक्ट हो और सेवरल इमेज हो जाए उसकी, उसकी सेवरल इमेज हो जाएंगी, एक ऑब्जेक्ट की बहुत सारी इमेज आ जाएंगी, तो ऐसे विजन को हम क्या बोलते हैं? मोजैक विजन बोलते हैं, जो कि कंपाउंड आइस होती हैं उसमें और ओमेटिडिया के हेल्प से होता है, ठीक है। कंपाउंड आइस किस में पाई जाती हैं? काकरोच में पाई जाती हैं, ये क्वेश्चन बहुत आता है। एक आग में कितने हेक्सागोनल ओमेटिडिया पाए जाते हैं? तो 2000 हेक्सागोनल ओमेटिडिया पाए जाते हैं। ओमेटिडिया का काम क्या होता है? ओमेटिडिया का काम क्या होता है कि बहुत सारे ओमेटिडिया मिलके काकरोच के काकरोच की आग में एक ऑब्जेक्ट की बहुत सारी इमेज को बनवाते हैं, यानी फॉर्म करते हैं, ठीक है। इस टाइप के विजन को क्या बोलते हैं? इस टाइप के विजन को मोजैक विजन बोलते हैं, ठीक है। मोजैक विजन क्या होता है? ये जो मोजैक विजन होता है मोर सेंसिटिव होता है ना। ये सेंसिटिविटी इसमें बहुत पाई जाएगी, मोर सेंसिटिविटी बट लेस रेजुलेशन, यानी सेंसिटिविटी बहुत पाई जाएगी बट इसमें जो रेजुलेशन का मतलब क्या हुआ? पिक्चर क्वालिटी, ठीक है। यहाँ से हम पिक्चर की क्वालिटी से रिलेट कर सकते हैं, पिक्चर क्वालिटी यानी इसमें पिक्चर की क्वालिटी होगी वो उतनी अच्छी नहीं बनेगी, यानी धुंधली धुंधली इमेज बनेगी। जैसे हम यूट्यूब पे अपने वीडियो देखते हैं 144 पे रेजुलेशन पे देखते हैं तो उतनी अच्छे साफ तरीके से नहीं दिखता है, फिर 240 पे देखते हैं तो हमको थोड़ा अच्छा दिखता है, फिर 360 पे देखते हैं तो हमको और अच्छा दिखता है। अगर हम कितने 720 अगर हम उसमें 720 पे या 1080 पे देखेंगे तो हमको क्या इमेज जो दिखेगी वो क्लियर दिखेगी, यानी बहुत अच्छा दिखेगा, HD+ में दिखेगा, ठीक है। जैसे हमारी आइस होती आती हमारी आइस होती हैं उसमें फुल HD+ दिखता है, यानी कोई भी इमेज देखेंगे बहुत क्लियर दिखती है हमको, बट ऐसा इसके काकरोच के केस में नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो मोजैक विजन होता है मोर सेंसिटिविटी, इसमें सेंसिटिविटी तो बहुत पाई जाएगी बट इसमें जो रेजुलेशन होगा यानी क्लियरिटी ऑफ इमेज होगी वो बहुत ही लेस होगी, यानी इसमें अच्छे से इमेज नहीं दिखेंगे। आगे देखते हैं, बींग द कॉमन ड्यूरिंग नाइट, है ना। ये जो होता है हमारा मोजैक विजन होता है ये कब होता है? ये कॉमन होता है नाइट के टाइम में, है ना, नाइट के टाइम में, यानी जो नॉक्टर्नल एनिमल होते हैं, है ना, जो नॉक्टर्नल एनिमल होते हैं उसमें ज़्यादा पाया जाता है, यानी जो रात में बाहर निकलते हैं, यानी रात में उनको अच्छे से दिखाई देता है, यानी नॉक्टर्नल एनिमल को उसमें ये पाया जाता है, ये कॉमन होता है नाइट में, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? नॉक्टर्नल विजन भी बोलते हैं, यानी रात्रचर दृश्य बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं? रात्रचर दृश्य।
रातचर मतलब रात में चलने वाले, विजन का मतलब दृश्य, ठीक है, यानी रात में चलने वाली एनिमल में जो दिखे यानी जो विजन हो, ठीक है। आगे देखते हैं। सो फिलहाल हमारा क्या नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच ख़त्म हो गया, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक था, ये छोटा सा टॉपिक था, इसमें कोई फिगर वगैरह या एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। तो फिलहाल हमने समझ लिया नर्वस सिस्टम ऑफ कॉकरोच कैसा होता है, ठीक है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। सो नेक्स्ट वीडियो में इसमें रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच के बारे में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम बताएंगे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या होते हैं। ईच एंड एवरीथिंग वी डिस्कस इन दिस अपकमिंग वीडियो। सो आई होप यू विल एंजॉय दिस वीडियो। सो स्टे ट्यून्ड विद मी, वॉच द वीडियो एंड कीप सपोर्ट। बाय बाय, टेक केयर, यू हैव अ नाइस डे।